नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की, जिसका नाम है टावर ऑफ हेनोई। रिकर्सन के थ्रू इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे, प्लस इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और फाइनली हम रिकर्सन थ्रू इसको सॉल्व कर दिखाएंगे कि टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। सबसे बेसिक है समझना यहाँ पे आपको कि टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है क्या। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिख रखा है, जैसे टावर ऑफ हेनोई जो मैथमेटिकल पजल्स इन्वेंटेड बाई मैथमेटिशियन लुकास इन 1883। In this puzzles, we have three rod and n disc. Objective of puzzle to move entire disc from one rod to another by some rules. Rules कौन कौन से होंगे, वो rules भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल हम example समझ लेते हैं कि rules क्या कहता है और problem क्या है। Problem क्या है कि आपको जो तीन rod दिए होंगे, ठीक है, और किसी एक rod में number आप disc देंगे, जैसे suppose करो कि ये three disc यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डिस्क किस मिरर में होंगे, एक सबसे सबकी साइज सेम नहीं होगी, उसमें कुछ सबसे बड़ा होगा, कुछ उससे छोटा, सब कुछ सबसे छोटा। तो इस तरह से आपका इस रॉड में डिस्क दिया हुआ है। आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वाला बॉटम में है, उससे छोटा वाला उसके टॉप पे है, सबसे छोटा वाला सबसे टॉप पे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको सपोज ए रॉड ए है, बी है, सी है, इसको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि इसको तीनों डिस्क को इसी सिचुएशन में यहाँ पे मूव करना है सी वाले रॉड में, ठीक है। हम बी का यूज कर सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं। तो रूल क्या है, तीन बेसिक रूल है जो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला रूल क्या कहता है कि एट ए टाइम हम कोई एक डिस्क, हम एक डिस्क उठा के उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इस टॉप के दो डिस्क एक साथ मूव कर दें या तीनों डिस्क एक साथ मूव कर दें, तो एट ए टाइम वन डिस्क। सेकेंड रूल क्या कहता है कि हम जब किसी भी रॉड से हम पिक करेंगे डिस्क को, तो वो डिस्क सबसे टॉप पे होना चाहिए, जो सबसे टॉप पे डिस्क होगा उसी को हम मूव करेंगे। और कहाँ मूव कर सकते हैं, या तो किसी इम्पटी रॉड में, या फिर ऑलरेडी कोई डिस्क हो उससे बड़ा जिसके ऊपर हम उसको प्लेस कर सकते हैं। मतलब कि बड़े डिस्क के ऊपर छोटा डिस्क हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन छोटे डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क हम कभी प्लेस नहीं कर सकते। थर्ड रूल क्या कहता है कि नो डिस्क में भी प्लेस इन द टॉप ऑफ द स्मॉलर, कभी भी किसी भी केस में आपके स्मॉलर डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं आ सकता। मतलब ये सिनारियो इस तरह से नहीं हो सकता कि सपोज ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला हम यहाँ पर रख दें, इसके बाद इसके जो दूसरा वाला है यहाँ से जब ये आया तो इसको भी हम यहाँ पर कर ले, ये सिनारियो नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा कि लार्जेस्ट नीचे होगा और उसके टॉप पे स्मॉलर वाले को हम पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में समझिए। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो पजल जो स्टार्ट हुआ था ये 1883 में, इसका हिस्ट्री आपके इंडिया में टेंपल है वाराणसी में काशी विश्वनाथ, वहाँ से इसकी हिस्ट्री मिलती है। वहाँ पे एक रूम है काफ़ी लार्ज साइज का, वहाँ भी ऐसे तीन पिलर्स हैं और वहाँ पे 64 डिस्क हैं, 64 डिस्क एक रॉड में है। और उसको कहा जाता है, जो अगर हम धार्मिक होंगे आप तो बुक्स में देखेंगे या नेट में देखेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पे कहा जाता है कि अगर सारे डिस्क को 64 डिस्क है जो, उसको सेम पोजीशन में अगर हम थर्ड वाले डिस्क में, थर्ड वाले रॉड में, थर्ड वाले पिलर में हम मूव कर दें, तो जिस टाइम सबसे लास्ट मूवमेंट होगा उस टाइम आपकी दुनिया एंड हो जाएगी और वहीं पे आपका यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम उठता है कि अगर हम उसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। आप सोचिए कि अगर यहाँ पे 64 डिस्क हैं, ये इस तरह से 64 डिस्क, और हम बोलते हैं कि जो एक सेकेंड एक मूवमेंट में, अगर एक बार एक डिस्क को हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम अगर सपोज एक सेकेंड टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, एक सेकेंड, तो टोटल मूवमेंट होने में आपका जो नंबर ऑफ सेकेंड लगेगा वो लगेगा 2^64 - 1 सेकेंड, ठीक है। अभी हम इसको फार्मूला का जनरेट भी करेंगे आपको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, अगर 64 डिस्क हैं तो उसको, जैसा मैंने टेंपल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि वहाँ पे ऐसा सिनारियो है, वहाँ पे अगर जो कहा जाता है कि अगर सारे
डिस्क सेम ऑर्डर में अगर मूव हो जाते हैं तो जब लास्ट मूवमेंट होगा उस टाइम यूनिवर्स का एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए कि अगर हम एक मूवमेंट करते हैं एक सेकंड लगता है, तो अगर हम टोटल देखें, अगर टोटल मुझे मूव करना है वहाँ पे, तो टोटल मूवमेंट कितना होगा? 2^64 - 1 सेकेंड। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पर जो टाइम आता है 585 बिलियन ईयर्स, मतलब कि 585 बिलियन ईयर लग जाएगा इसको टोटल कंप्लीटली एक टावर से दूसरे टावर में, अगर 64 का है तो कंप्लीट उसको करने में, अगर जो कि 585 बिलियन ईयर को हम कैलकुलेट करें, तो जो हमारा साइंस कहता है कि यूनिवर्स का कुछ ईयर है, तो उससे भी 42 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब कि जो हम पढ़ते आए हैं कि इतना टाइम यूनिवर्स का हो सकता, उससे भी 42 टाइम्स ग्रेटर है। और एक बिलियन इक्वल टू आपका क्या होता है? 1 बिलियन इक्वल टू 1 अरब, आप हिंदी में अगर पढ़ते होंगे तो 1 अरब कह सकते हैं, 1 अरब ईयर। तो 1 अरब, समझिए कि 1 बिलियन में 1 अरब, तो 855 बिलियन ईयर लग जाएगा इसको यहाँ से मूव करने में। इसीलिए आपको इम्पॉसिबल है कि ये कोई मूव कर पाए 64 डिस्क को टोटली। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात। इसी से यही जनरेट हुआ था आपका टावर ऑफ हनोई पजल। अगर इस पजल में देखें तो हम जनरली जो पजल लेके चलेंगे 3 डिस्क लेके चलेंगे, क्योंकि जितने नंबर आप डिस्क लेंगे उतने नंबर ऑफ मूवमेंट आपके बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 3 डिस्क का। उसी के 3 डिस्क के केस में हम उसको कम्प्लीटली समझेंगे कि रिकर्शन कैसे काम करता है और उसका रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा। तो हम मूव करते हैं और देखते हैं 3 डिस्क के एग्जाम्पल के केस में। तो 3 डिस्क का हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आपका टावर है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पे भी टावर है, 3 टावर हैं ऐसे, या इसको पिलर भी कह सकते हैं, रॉड भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। हमने इसका नाम ले लिया 1, 2, 3। यहाँ पे ए बी सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में मुझे 1, 2, 3 से बहुत ईजी होगा, इसीलिए हम यहाँ पर नंबरिंग इसका कर दिए 1, 2, 3, ठीक है। सिचुएशन क्या है? यहाँ पे एक डिस्क है, इसके ऊपर एक डिस्क है और इसके ऊपर एक डिस्क है, 3 डिस्क है कुछ इसी मैनर में। इसी को मुझे रॉड या पिलर 3 में इसी सिचुएशन में पहुँचाना है। तो जो प्रोसीडर होता है, प्रोसीडर क्या कहता है? अगर प्रोसीडर फॉलो करेंगे जो जनरल प्रोसीडर होता है, तो फर्स्ट प्रोसीडर क्या कहता है कि टॉप n-1, मतलब कि जितने आपके अगर 3 डिस्क हैं तो टॉप के 2 डिस्क, मतलब n-1 डिस्क मूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम A to B, ठीक है। ए टू बी मतलब इसको हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इसको समझने के लिए आपको, अगर ए कहीं ले रहे हैं तो हम उसको 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से भी। तो पहला स्टेप क्या बोला, प्रोसीडर क्या है कि मूव करेंगे हम n-1 डिस्क। n-1 डिस्क मतलब अगर यहाँ पे 3 3 है तो 2 डिस्क हम टॉप यहाँ से ए से हम बी तक बी में मूव करेंगे। इसके बाद सेकेंड, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, मतलब कि ध्यान दीजिए, जब हम टॉप के 2, जैसे अगर हम सिनेरियो समझें यहाँ पे, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट प्रोसीडर से, अभी कैसे मूव करेंगे इसको हम आगे दिखाएंगे, अभी हम यहाँ पे प्रोसीडर सिंपल जनरल प्रोसीडर बता रहे हैं। हमने क्या किया, टॉप n-1 डिस्क ए टू बी मूव कर लिया हमने, कुछ इस सिनेरियो में हमने क्या किया, मूव कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, मूव डिस्क फ्रॉम ए टू सी, अब ए से सी मतलब ए वाला डिस्क, ए में तो एक ही डिस्क बचा है यहाँ पे ना, इसको हमने मूव कर लिया सी में, मतलब थर्ड वाले में। नेक्स्ट थर्ड प्रोसीडर क्या कहता है, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम बी टू सी, मतलब इस केस में n-1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 डिस्क, इसको 2 डिस्क हम यहाँ से यहाँ मूव कर लेंगे, इस पे किस पे, सी वाले टावर पे। तो इस तरह से सॉल्व होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि देखने तो बहुत इजी है, लेकिन जैसा मैंने कंडीशन बताया, 3 रूल्स बताया था इसके पहले, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं उसी सिनारियो में कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम प्रीवियस सिनारियो बना लेते हैं इजी से, ताकि आपको इजीली समझ में आए। फिर तो प्रोसीडर समझ में आ गया होगा आपको कि सिंपल प्रोसीडर क्या था, कि हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में
सबसे पहले जो रॉड वन होगा यहाँ से टॉप के तीन तीन डिस्क के केस में टॉप के टू डिस्क कैसे भी करके रूल से मुझे पहुंचाना है आपको रॉड टू में, और इसके बाद जो लास्ट वाला बचेगा उसको हम पहुंचा देंगे कहाँ पे, रॉड थ्री पे, और इसके बाद यहाँ से टू पे जितने भी होंगे उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस पे, तो सिनारियो पे आ जाएगा। चलिए अब इसको अगर हम एक मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं रिकर्सन के थ्रू सॉल्व करके तो कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे हमने एल्गोरिथम लिख रखा है टावर ऑफ हैनोई का, यन यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है, ए बता रहा है फ्रॉम मतलब रॉड से, किस रेड रॉड से, और सी बता रहा है टू, किस रॉड में मुझे प्लेस करना है, और बी बता रहा है यूजिंग, मतलब कि अगर इस सिनारियो में लिखा हुआ है टॉर ऑफ एंड रिकर्सन फंक्शन तो यहाँ पे जो एन होगा यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बताएगा नंबर ऑफ डिस्क, ये बताएगा कि किस टावर से, टावर ए से टावर सी में हम मूव कर रहे हैं यूजिंग किसका, टावर बी का। इस सिनारियो को हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर लेके आए तो हम दिख जाएगा एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू थ्री है, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू थ्री, ये सिनारियो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम में चलते हैं अब हम। अब अगर हम एल्गोरिथम में चल रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम किसको कॉल किए, टॉर ऑफ हैनोई मैंने, अब हम एक स्टार्ट कर रहे हैं ट्री डायग्राम के साथ समझाने की आपको। तो जब हमने इसको कॉल किया तो सबसे पहले एन मतलब क्या है, थ्री डिस्क, ए मतलब वन, बी मीन्स टू, और सी मीन्स थ्री, ठीक है, यही कॉल किया सबसे पहले। जब सबसे पहले इसको कॉल किया तब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर है एन है ना, ए जीरो से ग्रेटर, ध्यान दीजिए ये शो कर रहा है यहाँ पे एन, ए बी सी, ए पोजीशन तीनों शो कर रहा है, मतलब इस पोजीशन जो वैल्यू आएगी बी शो करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आया तो हमने देखा कि एन इज ग्रेटर देन क्या है जीरो, अब तुरंत आ जाएगा इस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, टावर ऑफ हैनोई एन माइनस वन मतलब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ हो रहा है ना, तीन स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो हमने यहाँ पे तीनों प्रोसीजर बताया था ये तीनों रिलेट भी कर सकते हैं। एन माइनस वन डिस्क मूव करना है ए टू बी यूजिंग सी, वही हमने किया था। इसके बाद ए टू सी हमने मूव कर दिया, मीन्स उसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, फिर एन माइनस वन डिस्क फ्रॉम बी टू सी यूजिंग ए, इसी प्रोसीजर को हमने एल्गोरिथम के फॉर्म में यहाँ पे कर दिया है। आपको समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। जब यहाँ पे हमने जब कॉल किया तो तीन स्टेप चलेगा यहाँ पे, पहला स्टेप क्या है, अगेन रिकर्सन आया टावर ऑफ हैनोई का, और यहाँ पे क्या कर रहा है एन माइनस वन मतलब यहाँ पे टू थ्री है तो यहाँ हो जाएगा टू। इसके बाद ए मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, वन, सी को कॉल किया, सी क्या है यहाँ पे थ्री, ध्यान दीजिए सी की वैल्यू यहाँ पे लिया ना, सी हो जाएगा थ्री, और यहाँ है बी की वैल्यू कितनी है टू, ठीक है, इसको कॉल किया इस फॉर्म में ना, तो इस फॉर्म में हमने यहाँ से वैल्यू ले लिया, मतलब यहाँ पे ए सी की वैल्यू यहाँ से ले लिया सी वाला यहाँ पे पैरामीटर के साथ, और बी की वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया। इसके बाद प्रिंट क्या करेगा, ए टू सी मतलब यहाँ पे हम प्रिंट ले लेंगे, ए टू सी मतलब वन टू थ्री, ठीक है। दूसरा क्या चलेगा यहाँ पे रिकर्सन, एन माइनस वन मतलब टू, ठीक है, और थ्री माइनस वन मतलब टू हो जाएगा। इसके बाद बी क्या है यहाँ पे टू, ए क्या है वन, सी क्या है थ्री, टू वन थ्री। अब चलिए, जैसा कि रिकर्सन में आपको पता है कि जब हम रिकर्सली कॉल कर रहे हैं तो जब यहाँ पे पहुँचे सबसे पहले इसको सॉल्व करेगा, इसके बाद इस पर आएगा, तो हम लेकिन यहाँ पे पैरेलली सॉल्व करते चलेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए जब हम इसको कॉल किए, जब हम इस पर कॉल करने आएंगे, मतलब ए वाली वैल्यू जब रिकर्सली कॉल करेगी तो फिर से यहाँ पर आएगा, जब फिर से यहाँ पे आएगा तो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगा, एन ए बी सी मतलब फिर से क्या हो जाएगा, ए अब कहा जाएगा एन, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल किया फिर से ना, फिर से वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया उस लोकेशन पे। अब देखिए जब यहाँ पे कॉल किया तो फिर एन की वैल्यू कितनी, टू, किससे, जीरो से ग्रेटर है, तो फिर क्या करेगा, फिर से एक रिकर्सन कॉल करेगा टावर ऑफ हैनोई, एन माइनस वन मतलब टू माइनस वन वन हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी वन, सी ध्यान दीजिएगा इस स्टेप में ए सी बी है तो सी की वैल्यू कितनी है टू, बी की वैल्यू कितनी है थ्री, तो हो जाएगा वन वन टू थ्री। इसके बाद
प्रिंट करेगा ए सी। ए सी मतलब ए क्या है, वन, और वन टू सी मतलब टू, वन टू टू। इसके बाद अगेन एक रिकर्सन आएगा, एक रिकर्सन फिर से आएगा। इस केस में एन माइनस वन मतलब यहाँ हो जाएगा वन, टू माइनस वन वन हो जाएगा। बी ए सी, बी मीन्स थ्री, थ्री ए मीन्स वन, सी टू, वन थ्री वन टू, ठीक है। इसी के बाद अगर हम इसको भी देख लें आगे, यहीं साथ में देख लेते हैं, तो यहाँ पे जब इसको कॉल करेगा देखिए क्या होगा, यहाँ पे टू है यहाँ पे, तो वन हो जाएगा एन माइनस वन, क्योंकि फिर से अगेन रिकर्सिवली कॉल करेगा ना, तो इस केस में ए एन हो जाएगा। यहाँ पे जब रिकर्सिव कॉल किया तो इसको हम ए मान के चलेंगे, बी और सी मान के चलेंगे। जब इसको मान के चलेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे एन माइनस वन कितना हो जाएगा वन, और ए सी बी, ए सी मतलब टू, सी कितना है थ्री, बी वन है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करेगा ए टू सी, ए टू सी मतलब टू टू थ्री, प्रिंट कर देगा टू टू थ्री, ठीक है। इसके बाद एक रिकर्सन कॉल होगा एन माइनस वन मतलब वन, टू माइनस वन वन, बी ए सी, बी ए सी मतलब वन टू थ्री, वन टू थ्री, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर से। जब इसके बाद फिर से यहाँ पे आएंगे तब देखिए क्या होता है, फिर से तीन स्टेप चलेगा। जब इसको रिकर्सिवली कॉल करेगा यहाँ पे तो फिर से इसके अंदर तीन स्टेप चलेगा ना, तीन स्टेप चलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, यहाँ पे वन है, कॉल करेगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। इसके बाद का, क्योंकि अब जीरो आ गया तो फिर से रिकर्सिवली कॉल तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि फिर ये कभी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो फिर से इसको हम यहाँ पे अब कंप्यूट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये कॉल ही नहीं होगा कभी, आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। इसके बाद दूसरा वाला क्या, प्रिंट ए टू सी, ए टू सी मतलब देखिए ए हो जाएगा, बी और सी मतलब वन टू थ्री, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, यहाँ इस वाले केस में फिर से जीरो आ जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, जब यहाँ पे आएंगे तो ध्यान दीजिए फिर से यहाँ वन है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, डिस्क जीरो हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ कंप्यूट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। दूसरा ए टू सी, ए टू सी प्रिंट करेगा कैसे होगा, देखिए ए बी सी, यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो जाएगा नेम उसका, तो ए टू सी मतलब टू टू थ्री, तो टू टू थ्री प्रिंट करेगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। फिर से आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल नहीं करेगा। अब यहाँ पे आएंगे तो फिर से क्या होगा, देखिए जीरो हो जाएगा यहाँ पे डिस्क, कोई बात नहीं, आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ए टू सी मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा ए बी सी, तो टू टू वन, टू टू वन हो जाएगा। अगेन इसके बाद जब आएगा दूसरा रिकर्सन यहाँ पे वाला, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिस्क। फिर से इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में आप फिर कभी इसको कॉल करेगा नहीं। इसी तरह से इस पर आएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिस्क, और फिर कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे ए बी सी है तो ए टू सी प्रिंट करेगा, तो ए टू सी मतलब वन टू थ्री, और फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये इस तरह से आपका, तो ये कंप्लीट आप देख रहेंगे कि ये ट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए कॉल कैसे हो रही है, कॉल समझिएगा। जो सबसे पहले कॉल हुई ए वन, कॉल नंबर वन, इसके बाद कॉल टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया फाइव कॉल, फिर इसके बाद इसको प्रिंट कर दिया सिक्स कॉल, सेवन एट, ठीक है। इसके बाद नाइन्थ कॉल, टेंथ कॉल, अलेवेंथ कॉल, ट्वेल्थ कॉल, थर्टीनथ कॉल, फोर्टीनथ कॉल और फिफ्टीनथ कॉल, इस तरह से 15 कॉल यहाँ पे हुई आपकी। मतलब कहीं ना कहीं ये ध्यान दीजिए, इस कॉल को कॉल तो होगी यहाँ पे, लेकिन ये इसमें आएगा नहीं, कंडीशन में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रिकर्सन कॉलिंग तो आएगी आएगी। तो इस तरह से अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉल कितने हो रहे हैं, 15 कॉल हो रहे हैं, और इस सिक्वेंस में हो रहे हैं, जो नंबरिंग हम लिखे हैं यहाँ पे इसी सिक्वेंस में नंबरिंग हो रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जब आपका जो सिक्वेंस बनेगा मूवमेंट का, मूवमेंट के सिक्वेंस जो बनेगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए यहाँ से आया वन टू थ्री फोर, यहाँ तक आया, सबसे पहले क्या करें वन टू थ्री, मतलब वन से थ्री मूवमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद फाइव, इसके बाद वन टू टू, वन टू टू मूवमेंट होगा, सिक्स सेवन
यहाँ पे टू टू थ्री, टू टू थ्री नहीं होगा, थ्री टू टू होगा यहाँ पे, क्योंकि ए टू सी जाएगा तो थ्री टू टू होगा, चेंज कर लीजिएगा इसको, थ्री टू टू तो यहाँ हो जाएगा थ्री टू टू। इसके बाद थ्री टू टू के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री, और वन टू थ्री के बाद फिर से नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, टू टू वन, फिर टू टू थ्री और वन टू थ्री। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने कॉल और कितने मूवमेंट हो रहे हैं, सेवन मूवमेंट हो रहे हैं इस थ्री डिस्क के साथ इसको सॉल्व करने में। तो आप इस तरह से जाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको जब यहाँ पे मूवमेंट आ गया, ये सारे मूव आ गए यहाँ पे, इसी मूव से अब हम थोड़ा सा आपको फार्मूला जनरलाइज करके दिखाते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा, जो एक जनरल फॉर्म बनेगा। तो देखें तो हमने कितना डिस्क लिया, थ्री डिस्क, अगर हमने कितना लिया, थ्री डिस्क, थ्री डिस्क में फंक्शंस कॉल और मूवमेंट अगर कैलकुलेट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल हमने कितना लिया, 15, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे 15 कॉल, और टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हुआ यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू प्रिंट किया वो किया आपका 7। ठीक है, अगर इसको जनरलाइज फार्मूला मुझे करना है तो इसको हम कह सकते हैं 2 पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, इसको हम कह सकते हैं 2 पावर 3 माइनस 1। आप इसको देखिएगा कि अगर हम नंबर ऑफ फंक्शंस, रिकर्सिव फंक्शंस कॉल अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 15 कॉल हुए हैं, टोटल 15 कॉल देखें तो जो नंबर ऑफ डिस्क है जैसे 3 है, इस फार्मूले में पुट करें 2 पावर 3 प्लस 1, मतलब 2 पावर 4 माइनस 1, 15 ही आएगा आंसर। तो इस फार्मूले से नंबर ऑफ आप कॉल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो 2 पावर 3, मतलब नंबर ऑफ डिस्क कितने, 3 हैं, तो 2 पावर 3 माइनस 1, मतलब कि नंबर ऑफ मूवमेंट कितने आए, 7 आए ना, 3 कितने, 3 डिस्क केस में, तो यहाँ पे 2 पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डिस्क सपोज करो यहाँ पे आपका 2 होता, 2 डिस्क, तो हम कितना होता है यहाँ पे, 2 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, मतलब 2 पावर 3 माइनस 1, मतलब हो जाता 7 फंक्शंस कॉल, और 2 पावर 2 माइनस 1 मीन्स हो जाता है आपका 3 मूवमेंट। ठीक है, 3 मूवमेंट। तो इस तरह से अगर जनरल फार्मूला देखें तो फंक्शंस कॉल निकालने के लिए आपका आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया नंबर ऑफ कॉल निकालने के लिए जो रिकर्सिव कॉल हो रहा है, और 2 पावर n माइनस 1 ये आपका फार्मूला निकल जाएगा टोटल्स नंबर ऑफ मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, तो होप सो समझ में आ चुका होगा। अब तुरंत हम इजीली से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम कि जो मूवमेंट हमने यहाँ पे लिखा है इस मूव से क्या है प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है आपकी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। हम यहाँ पे ए सिनारियो है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मूव 1 टू 3, 1 टू 3 मतलब 1 से 3, तो यहाँ से हमने इसको टॉप वाले को मूव कर लिया किसमें, 3 वाले टावर में। ठीक है, इसके बाद मूव 1 टू 2, अब यहाँ से 1 टावर 1 है, इसको हमने मूव कर लिया 1 से 2 में, मतलब यहाँ पे। इसके बाद 3 टू 2 मतलब 3 से 2 पे, 3 से 2 देखिए यहाँ पे लार्जर है, इससे लार्जर वाला था ना, तो यहाँ से मूवमेंट कर लिया हमने 2 पे, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 पे। ठीक है, 3 टू 2 हो गया। 1 टू 3, अब यहाँ से 1 टू 3 मतलब यहाँ से हम ले जाएंगे यहाँ पे, सबसे लार्जेस्ट वाला कहाँ पहुँच गया, वो 3 पे यहाँ पे। फिर 2 टू 1, 2 से 1 जब यहाँ पहुँच गया तो इम्पटी हो जाएगा आपका। 2 से 1 यहाँ वाले जो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट वाले को हम 1 पे ले जाएंगे, मतलब 2 से 1 वाला हो जाएगा, सिनारियो ए क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद 2 टू 3, 2 टू 3 मतलब यहाँ से इस पे आ जाएगा, तो जो मिडिल वाला था किस पे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद 1 टू 3 मतलब यहाँ पे जो 1 पे टावर पे स्मॉलेस्ट वाला, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से देखेंगे 7 मूवमेंट में आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो होप सो टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे टावर ऑफ एनवी के लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है क्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।